బక్రీద్ మహోత్సవం సందర్భంగా అన్నమయ్య జిల్లా నందలూరు మండలం నందలూరు బస్ స్టాండ్ ఈద్గా నందు బక్రీద్ వేడుకలు నిర్వహించారు. మండల గురువులయ్య సయ్యద్ మౌలానా మౌలీ సయ్యద్ మౌసిద్దీన్ సయ్యద్ మౌనుద్దీన్ హుస్సేనీ గవర్నమెంట్ గెజిటెడ్ ఖాజీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈద్గాలో నమాజ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నందలూరు ముస్లిం సోదరులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా గురువాలయ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ శాంతియుతంగా తమ తమ ఇళ్లలో పండుగ జరుపుకోవాలని ఆయన అన్నారు. उसके कान कटे हुए नहीं होना चाहिए, उसके जबड़े फटे हुए नहीं होना चाहिए, उसके मुंह से खून आना नहीं चाहिए और जानवर इतना दुबला ना हो कि वो चल करके अपने मुखार जुबा के जुबा करने हुए मुखार पर ना आ सके, इतना दुबला नहीं होना चाहिए. मौजा साहब ने यह कहा, कुर्बानी ऐसे जानवर की दे, किसी घर के अंदर किसी मेहमान आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उसको अच्छे से अच्छा खिलाने की हम लोगों को ये ख्वाहिश होती है. तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान की ये बात है, इंसान के इंसान को जब खिलाने के लिए अच्छे से अच्छा हम लोग सोचते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला जो हमें पैदा फरमाया, जो हमें उन्हीं उसी ने हमें दौलत भी अता फरमाई और उसी दौलत से हम उसकी राह में खर्च करते हैं, तो इसलिए हम जानवर भी इस तरह खर्च करना चाहिए कि वो तंदुरुस्त दिखे. ऐसा नहीं है कि दुबला पतला लेकर का है, थोड़े पैसे कम करके ले लेगा और जुबा कर दे, यानी कुर्बानी देना है चलो कौन सी पटेल बुटला करके काट दे कुर्बानी देने, ऐसा नहीं होगा. कुर्बानी देने के लिए जांच पड़ताल होना जरूरी है. और दूसरा, अगर देना नहीं आता है तो कुर्बानी देने वाले को, यानी कुर्बानी की जो दुआ है वो दुआ पढ़ने वाले को ला करके कुर्बानी कराना ये जरूरी है. क्योंकि अगर असल कुर्बानी में बिस्मिल्लाह बोल के काट देना कुर्बानी नहीं, कुर्बानी में उस दुआ को पढ़ना जरूरी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, बिस्मिल्लाह दुआ कर दो तो हलाल हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी के अंदर शामिल नहीं होगा. बहुत सामान्य काम कुर्बानी अगर दे तो एक अच्छे इंसान जो यानी आलिम जो है वो जानता हो, जो कुर्बानी की दुआ पढ़ना सीखता हो तो उसको ला करके तुम दुआ कराए. मौजा साहब ने कहा, कुर्बानी देने के वक्त, कुर्बानी देने के बाद जब उससे हम तकसीम करते हैं तो एक हिस्सा जो है गरीबों को तकसीम करना जरूरी है और दूसरा जो है रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को देना जरूरी है और तीसरा वो खुद रखना है, वो खुद रख सकता है और खुद खा सकता है, या अगर वो खुद खाना नहीं चाहता हो या देना चाहता है तो वो भी दे सकता है. लेकिन ये होता है कि कंजूसी ना करे, हड्डी एक चरा कर गरीबों को जब तुम तकसीम करते हो तो हड्डियां गरीबों को डाल देना, अच्छे अच्छे चीज के रिश्तेदारों को दोस्तों को डाल देना, ये नहीं. नियत सबसे अफजल चीज होती है कुर्बानी की. जब तक तुम कुर्बानी की नियत नहीं करते तब तक कुर्बानी, चाहे तुम दुआ पढ़ लो, कुर्बानी की दुआ पढ़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, अच्छे से अच्छा उमदा जंगल को लेकर लेकर के आ जाओ, फिर भी तुम दुआ करने की यानी कुर्बानी देने की तुम नियत नहीं रखते हो तो कुर्बानी हरगिज नहीं होगी. अगर कुर्बानी देने के वास्ते अगर नियत का होना जरूरी है, चाहता कि अगर छोटे बच्चे को कर दे तो उसका वाली जो नियत कर सकता है, यानी जो बच्चा बोल नहीं सकता है, यानी 7 साल का है उसे कुर्बानी का मेन मतलब नहीं मालूम, 4 साल का है या 3 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, वो अगर कुर्बानी तमाम मुसलमानों को मेरे तरफ से ईद उज़ुहा की बहुत 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 मुबारक हो. अल्हम्दुलिल्लाह ईद उज़ुहा अच्छे से खुशी से मनाएं. ईद उज़ुहा एक ऐसी अजीम ईद है, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में अपने आप को पेश करने का एक अजीम मौका मिलता है. हज़रत आदम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कुर्बानी दे कर के इम्तिहान मुकम्मल किए थे, उसी मंज़र को याद करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोग ईद मनाते हैं. इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह नंदलूर शहर नंदलूर के अंदर हम ईद मनाए हैं. कोई बात की दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ईद में नमाज़ अदा करके अपने अपने मकानों में ईद कुर्बानी जो जानवर जुबा करके ईद मनाए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह नंदलूर के अंदर हम सब मिल कर के, हिंदू मुसलमान सब अल्हम्दुलिल्लाह मिल कर के ईद-उज़ुहा की ईद खुशी से मनाएं. मैं तमाम मुसलमानों को
ईद-उल-ज़ुहा की ईद की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ और तमाम लोगों से, तमाम मुसलमानों से, हर एक से यही अपील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में, अपने अपने गांवों के अंदर ईद-उल-ज़ुहा खुशी से मनाएं।